Lights, camera. अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ स्टार इफ्तार विद सरमद खुसट में। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन भी हैं। हमारा ये जो दोस्ती दुश्मनी का एक ताल्लुक़ है ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। मैं इनसे लड़ता भी बहुत हूँ, मैं इनसे प्यार भी बहुत करता हूँ, और मेरा ख्याल है अगर मैं अपना एक्टिंग करियर किसी को बहुत हद तक ओ करता हूँ तो वो ये है। ये मेरी पहली हीरोइन भी थी, मुझे लगता है मेरी आखिरी हीरोइन भी यही होंगी। और हंस पड़ी है, आपको यकीनन इस सिग्नेचर हंसी से भी पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। माय वेरी वेरी डियर नादिया आफ्कर। वेल नादिया, यू स्टिल एज ब्यूटीफुल एज यू वर इन 1998। नादिया, आपको पता है 18 साल हो चुके हैं। आई नो सर, मैं तो गिनती हूँ कभी तो मैं सोचती हूँ गॉड, बहुत खैर यंग तो हम अभी भी हैं और ब्यूटीफुल तो हम अभी भी हैं और वो हम हमेशा रहेंगे, सो इट्स ओके। नादिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। तो आज दही भल्ले, जिसको कराची में दही बड़े बोला जाता है बाय द वे, उसके ऊपर एक टेक है हमारा। इसको मैंने नाम दिया है हरे हरे, नहीं कुछ और बताएं, कुछ इसमें ग्रीन से कुछ होना चाहिए। तो कब ग्रीन दही भल्ले कह लेते हैं, सब्ज लाली दही भल्ले। जनाब, इनको ग्रीन सब्ज और हरे दही भल्ले हम कहेंगे। पाकिस्तानी भी तो कह सकते हैं ना सरमद, वी आर ऑल ग्रीन, सो लेट्स जस्ट ओके जनाब, पाकिस्तानी दही भल्ले, गो ग्रीन। और इन गो ग्रीन दही भल्लों में ये है जनाब कि आप एक ऐसी चीज शामिल करते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत जूद हजम है। तो मैं ख्याल है रेसिपी के साथ साथ हम बाकी की बातचीत करेंगे। तैयारी पकड़ी जाए नादिया। ये है जी मूंगी की दाल, मूंग की दाल भी कहते हैं। ये उसको पीस लिया गया है, ठीक है, उसका एक आटा सा बना लिया। ये है माश की दाल, इसको भी पीस लिया गया है, उसका आटा आटा सा बना लिया गया है। अब हम दो दो चमचे डालेंगे इन दोनों के इसमें, लाइक फुल। हाँ, वन एंड टू एंड टू। बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं हम। It's okay. अब जनाब इसके साथ हम डालेंगे इसमें a pinch of salt. Not a pinch really, about like a pinch, two and a half pinches of salt. So इसमें dried यानी सूखी हुई तुलसी है। Oh okay, all right. इसमें थोड़ी सी like say about half a teaspoon. Yeah. जनाब इसमें जाएगी एक अदद बहुत ही तेज तरार किस्म की हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत मामूली सी मैं लाल मिर्च भी डाल रहा हूँ, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल किक। और नादिया, अब हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे जो पहले से छिला हुआ है। फिर हम अपनी एनके निकालेंगे, वो पहनेंगे। बिल्कुल एनके नहीं निकालेंगे। एक इसमें जो चीज, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज अ वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा वो उसको फुलाने के लिए, ताकि वो बहुत फ्लैट ना हो। अगेन ये भी कोई क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून, लेकिन हीप्ड नहीं, यानी उसको भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आज हम आपको बताएं कि ये इसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ देखा जाता है तुलसी को सब कॉन्टिनेंट में। तो जनाब ये जो है ये एक बहुत ही मैजिकल किस्म का नादिया हर्ब है, और इस हर्ब के फ़ायदे बहुत सारे हैं। हाजमे के लिए अच्छा है, इट्स अ ग्रेट डिसइंफेक्टेंट। अगर आप जंगल में शिकार पे गए हैं मिसाल के तौर पर और शेर मर जाए तो उसको आप ये लगा दें। शेर को नहीं लगाएं, अगर आपको कोई मक्खी शक्की काट ले या कोई छोटा सांप, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, जो छोटे छोटे सांप होते हैं ना, अगर वो आपको कभी गलती से काट ले तो आप ये मल सकते हैं, मतलब सांप के लिए नहीं, मच्छर मक्खी के लिए। सो इट्स अ ग्रेट डिसइंफेक्टेंट। व्हाट इज दैट सरमद? Okay, great. This weapon that you've taken out. This is a weapon, जिससे मैं इसको chop, chop, chop करूँगा अभी। इसको कहते क्या है? ना दे, इसका नाम टोका टोमाटो है। इसको मेज़लूना कहते हैं। What? What's a luna? Mezzaluna. All right. Okay, great. So you put this in it. अब आप ये भी, अब आपके जायके पे है, चूंकि हम इनको क्या कह रहे हैं? कौन से? गो ग्रीन पाकिस्तानी दही भल्ला। सो लेट्स ट्राई पुटिंग
लिटिल वाटर एंड देन हम उसको मिक्स करके देखते हैं कि वो गुठलियां सी बन रही है सर। मैंने पुट मोर वाटर, तो पानी हम मगर धीरे धीरे हर चीज की नहीं, दैट वाज धीरे धीरे शर्मा मतलब आई थिंक नादिया सब्र, आपने कहा था सब्र, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है जनाब वो करीबन करीबन ये रहेगी, यानी जब आप इसको देखें तो ये फट करके इसको गिरना चाहिए। बहुत पतला लग रहा है। नहीं पतला नहीं है नादिया, ऑलिव ऑयल टू टेबल स्पून, अप्रॉक्सीमेटली टू टेबल स्पून इसको लेंगे जनाब, और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक टेबल स्पून आपने लिया, और इसको आपने जब यहाँ पे इसमें रखा तो थोड़ा सा आप फ्लैट कर दें ऐसे कि ये एक छोटा सा पैनकेक टाइप बन जाए। अच्छा आपने इसको पानी में डुबोना है। अच्छा इसको बिल्कुल कोई आप एक डेढ़ मिनट के लिए जो छोड़ सकते हैं, तो उससे ये ठंडा भी हो जाएगा जनाब, और थोड़ा सा फूल जाता है और नरम भी हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का क्या होता है कि अगर आप पानी को देखें तो उसमें बहुत सा ऑयल निकल आएगा, तो जो ऑयल है, जो एक्सेसिव ऑयल इसके अंदर गया है, उससे भी निजात मिल जाएगी। देन यू प्रेस इट अ बिट ताकि उसमें कोई थोड़ा एक्सेस पानी है तो वो निकल आए, जूस है उसके अंदर तो वो निकल आए। जूस नहीं है उसका, पानी है, वो जितनी देर अभी पानी में रहे उतनी देर में जूस नहीं निकलेगा। दही के साथ अब हमने दो तीन तरह के काम करने हैं। एक दही के अंदर हम एक और बहुत जूद हजम चीज़ डालेंगे जिसको कहते हैं लहसुन, और लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं। लहसुन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनाब ये बहुत ही अच्छा आपके हाजमे के लिए है। सेकेंडली लहसुन से आप चीज़ों के अंदर जो एक उनकी क्या कहना चाहिए हैवीनेस, नो जो एक हैवीनेस होती है ना चीज़ों की, वो कम हो जाती है, इसीलिए गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दही तकरीबन चीज मोटे मोटे से ये तीन अदद क्लोव्स लेंगे आप, और ये आप इसके अंदर इसको, ये एक किलो दही है मेरे पास, ठीक, ये चाट मसाले से नहीं बन रहा है, ये प्रॉपर मसालों से बनेगा, राइट। सो अगेन नमक चूंकि आपने उसमें भी डाला हुआ है, जस्ट से अगेन एक किलो दही में आई विल पुट नॉट मोर देन हाफ अ टीस्पून, ठीक है, राइट। एक और मज़े की चीज़ जो इसमें डलेगी दैट इज़ पिसा हुआ ज़ीरा, एक टीस्पून, ओके, अप्रॉक्सीमेटली सूखी बेजल थोड़ी सी, नाज़बो तुलसी और बेजल के पत्ते, इसको आप उतना फाइनली चॉप ना करें बेशक, ओके, तो थोड़ा सा आप बस एक दरमियाने साइज का चॉप कर सकते हैं। अच्छा नादिया ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है, मुझे ये बताएं जिंदगी में अगर आपको कभी किसी एक ऐसे इंसान को थैंक यू कहना हो कि उसने आपको या तो बहुत अरसे तक फीड किया है, आपको खाना खिलाया है पका के, या कोई ऐसा खाना खिलाया जो आपको बहुत मेमोरेबल हो, याद हो। आई एम हियर सरमद के शो के ऊपर, और सरमद बहुत मज़े, आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में सब लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपने मुझे सिखाया लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा, और मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। बट आपने हमेशा जब मैंने आपसे जो कहा आपने मुझे बहुत अच्छा बना के दिया। आपकी सबसे अच्छी चीज़ जो आप बनाती हैं सब खानों में जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है वो गाजर का हलवा है, प्लीज़ मेरे लिए हमेशा बनाती रहा, और खीर, और खीर, सो वो हमेशा बनाती रहा करें, वो आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता दुनिया में। आई लव यू एंड कीप मेकिंग दैट एंड लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, आई लव यू। अम्मियों से बात करके ना टीवी पे बंदा अजीब सा हो जाता है, वैसे खाम खा इमोशनल हो जाते हो, थोड़ी सी अजीब तो वैसे भी है लेकिन कोई थोड़ा ज़्यादा अजीब होता है ना। अच्छा दूसरा सवाल मुझे ये चीज़ बताएं कि अगर आपको पता चले कि आज इस दुनिया में आपका आखिरी दिन है, हाँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस दुनिया से जाने से पहले खाना चाहती हैं? इतनी आसान चीज़ सरमत, छल्ली, कोई पकाना नहीं। अभी तो बहुत सस्ते में छूट गई, आखिरी ख्वाहिश मतलब इंसान के दांतों के अंदर छल्ली फंसी हुई हो, जब आप इस दुनिया से होंगे तो दुनिया में कौन देखेगा। नहीं अच्छा आखिरी दिन है, आखिरी दिन है आपका, इट्स ओके, आई छल्ली इज फाइन, आई लाइक छल्ली। अच्छा जी, जितनी देर नादिया हमें अपनी जिंदगी की ये तमाम खूबसूरत बातें बता रही थी, मैंने एक प्याज को वही ऑमलेट की तरह और एक अदद टमाटर को जिसके बीज मैंने निकाल दिए। समटाइम्स बीज का क्या होता है, बीज बहुत अच्छी चीज है, बीज खाने चाहिए, लेकिन बीज अगर आप पका लें तो तब उसका बहुत सा फायदा है।
लेकिन अगर कच्चे होते हैं कभी कभी वो ज़्यादा पक चुका होता है तो फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम भी करता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर कहना हूँ कि मुझे दही के साथ एक अदद मरहला करना है। अब दही को आम तौर पे आप क्या करते हैं दही भल्ले के लिए कि आप उसको थोड़ा सा पानी मिलाते हैं ताकि थोड़ी सी वो उसकी वो जो एक क्या कहना चाहिए कंसिस्टेंसी जो है वो पतली हो जाए। और सॉरी मेरे फूहड़पने के मुजाहरों के साथ साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं आएगा सलमान, तुम अच्छे घर से नहीं आएगा, बहुत फूहड़ हो तुम। अच्छा, और फिर हम इसको इस छन्नी से इसलिए गुजारेंगे ताकि वो जो दही भल्लों में एक क्रीमीनेस होती है वो जरूर आ जाए, राइट? तो यानी आ जाए कि निकल जाए? नहीं, आ जाए ना क्या। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज नाउ, ये जो जीरा वीरा है कि मैं वापस उसके अंदर मिक्स कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा क्रीमी हो गया। आई ब्रिंग माय गार्निश। ओह, दिस इज गोइंग टू बी राइट। सो व्हाट यू डू इज यू पुट द टमाटर्स एंड द प्याज। माय हेल्थी टेक जनाब, लेमनेड या शिकन जबीन जिसको हम बोलते हैं या लीमू पानी भी कहते हैं जिसको, सो उसके भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं अपने तरीके से आज बनाऊंगा जो कि मुझे लगता है थोड़ा हेल्थी तरीका है, जिसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो उतनी मुजरे सेहत नहीं हैं जितनी आमतौर पर हो सकती हैं। तो नादिया, सबसे पहले हम लीमू लेंगे और दो अदद बड़े बड़े लीमू। पुदीना और लीमू, ठीक है। पुदीना मैंने कोई 15 पत्ते, मतलब 3 सोटियाँ डंडियाँ जो होती हैं सोटियों पे से। अच्छा जी, जो ये ब्राउन वाली चीनी है जनाब, सो इसकी मिठास सफ़ेद चीनी से थोड़ी कम होती है, तो इसलिए अबाउट 3 teaspoons, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक 2 glasses। ये नमक और चीनी बहुत दो ऐसे बहन भाई हैं जो साथ साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें। पेपर मैं बिल्कुल एंड में डालूंगा। अब मैं इसमें डालूंगा पानी, और पानी बिल्कुल उतना जितना आप 2 ग्लास के बराबर, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, मैं इसको ब्लेंडर में किस लिए कर रहा हूँ, ताकि सब चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। आप ज़रूरी नहीं कि इसको ब्लेंडर में ही बनाएं, आप इसको जग में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी वर्जिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल रोज़े में एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं इतना आसान आदमी हूँ। लीमू के साथ हमने इसमें जो शक्कर डाली है, अगर आप चाहें तो शक्कर की जगह आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, और शायद ये जो वाइट चीनी से बनने वाली चीज़ें हैं उनसे काफ़ी गुना सेहत अफजा है। जी जनाब, अब हम आपको एक स्पेशल ट्रीट देने वाले हैं, और एक हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। स्पेशल वो इसलिए हैं क्योंकि वो नादिया की नीस हैं, नादिया की भांजी, भतीजी, भांजी हैं जनाब। माहीन, आ जाओ भाई, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम अस्सलाम। माहीन ग्रेड 5 में पढ़ती हैं, और माहीन का स्पेशल टैलेंट ये है कि माहीन बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं और माहीन बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो एक छोटी सी स्पेशल ट्रीट हमने सोचा, और वो सहरी के लिए खास तौर पे नादिया का ख्याल है कि अगर हम पराठे ना खाएं या थोड़ा सा चेंज करना चाहें अपनी रूटीन जो हम लोग होता है जैसे नाश्ते में या सहरी में, तो हम कभी कभी पैनकेक्स भी खा सकते हैं, क्योंकि पैनकेक्स बड़े लाइट से होते हैं और कभी कभी मीठा खा लेना चाहिए, अच्छा सारा दिन एनर्जी रहती है। अंडे हम कोशिश कर रहे हैं जनाब, अंडे भी हेल्थी ऑर्गेनिक अंडे हम इस्तेमाल करें, तो अंडे जो हैं वो देसी अंडे हैं ये। इनमें एक फ़ायदा ये होता है कि हार्मोन नहीं होता, हार्मोन फ्री होता है। माइन दो के तीन, दो अंडे तोड़ दिए जी हमने। ओके, मिल्क द मिल्क तकरीबन कितना है माइन? ये 1.5 डेढ़ कप जो है जनाब वो हमने दूध डाला है। हम इसको जनाब विस्क करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो जनाब, दो अंडे
दो कप मैदा और वन एंड हाफ कप दूध का. लाइक हाउ मेनी पैनकेक्स कैन यू मेक आउट ऑफ दिस? 15. जनाब आज सारा क्रू जो है वो इफ्तारी के वक्त पैनकेक्स खाएगा. हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा. अब आया जनाब चीनी, वो वक्त चीनी का. एक, दो, 15 लोगों के लिए बन रहा था, 15 सेकंड. अच्छा नहीं, ओके, दिस इज नॉट बैड, 3 इज फाइन. अच्छा मैंने माइंड से शुरू में पूछा कि मैं इसकी जगह इसमें ब्राउन शुगर डाल सकता हूँ, तो माइंड ने तो मुझे टक्का सा जवाब दिया. बट माइंड आई थिंक अगर ब्राउन शुगर भी डले तो नुकसान है. नुकसान तो नहीं, दे जस्ट लुक ब्राउन. किसी इज बैड. व्हाट डिड यू से? इट इज बैड. सो एक दिन हम ऐसे ट्राई करेंगे घर पे माही, किसी दिन मैं आके आपके साथ एक ट्राई करके देखेंगे, एक अंडे के. अच्छा माही के लिए नहीं, 3 tablespoons. Okay, now this should be 2 tablespoons? 1. This is 1. Khana bana. Yeah, I think it's makhan ko bhi tarah se gum kar le. Okay. Isko ghaib kar le. I'll put it. Isse pehle ki mai. Puri duniya jo hai is waqt wapas janab desi ghee, desi makhan us pe isliye ja rahi hai ki in cheezon mein again bahut processing nahi hoti. Ye cheeze sehat ke liye achhi hain aur itni der mein mai ne chupke se kuch dal diya usme. Mai Gary, it was supposed to be put in it while the butter was melting. Vanilla essence. Vanilla essence. Aur kitna se? A teaspoon? Half a teaspoon. अच्छा ये अब बटर हो गया, डाल दूँ? Okay. Just like that. Oh wow. And be careful, बेटा. Okay. नाजिर प्लीज अब चूल्हा बंद कर दें. या चलें इसी में हम बाद में बनाएंगे. हाँ. Okay, great. Okay. Wow, Maheen, how nicely you're doing this. अच्छा अब Maheen की पूरी कोई टाइमिंग है जी कि वो चॉकलेट चिप्स जो है वो एक सर्टन टाइम पे ऊपर डालती है, फिर जब वो उसको पलटती है उसको पता चलता है कि जी उसके ऊपर कोई बुलबुले बन रहे हैं, तब जाएगा वो. अब हमारे धुएं निकलना शुरू गए थे, हमें चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर देना चाहिए. मैं इसको उल्टा करके देखना चाह रहा हूँ, कर लूँ? आई वॉन्ट टू सी द चॉकलेट चिप्स. दे लुक नाइस. ओके, लवली. आपको क्या चाहिए? चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट सॉस. और क्या चाहिए? आइसक्रीम. Coming from the freezer. Ye rahi ice cream ji. That's and I think she deserves an applause. Very good, Maheen. Maheen, very, very good. Can I eat the chocolate sauce? Yes, you can eat the chocolate sauce later. You can eat the chocolate sauce later. चॉकलेट सॉस भी खाएंगे जनाब. आज हमने अपने एपिसोड में फिर कुछ हेल्थी कुकिंग की. हमने गो ग्रीन दही भल्ले जो थे जिसके अंदर बहुत सारा न्याज बो या बैजल जो होता है वो डाला है. हमने एक लेमनेड बनाया जिसके अंदर शक्कर है और जिसके अंदर लीमू है और पुदीना है, काली मिर्च और नमक भी है. माहीन ने हमारे लिए पैनकेक्स बनाए और हमारे पास माहीन और नादिया खाला के लिए कुछ प्रेजेंट्स हैं. ओह वाओ, यू नादिया खाला, थैंक यू सो मच. एंड दिस इज फॉर यू माहीन. I think let's exchange. You take the organic basket and I will...